आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 इजी क्लास है, इजी एक्सरसाइज है, इजी बुक है. ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वे मूव इन द सर्कल एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. आपको कभी भी सवाल में दिक्कत आती ना, तो यहां से दिक्कत आती कि ये गिवन क्या है. इस गिवन को थोड़ा गहराई से, थोड़ा सा पैनी नजर से इसको देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि दिया क्या है. सर्कल एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. अब देखिए, अगर ये एरिया होता, मान लीजिए मैं आपको यहां पर एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं, यहां पर हमारे पास सर्कल है, सेंटर है, सर्कमफ्रेंस है हमारे पास, और जो ये दे रखा है वो दे रखा है क्या, उसके बढ़ने का तरीका. यहां से यहां तक ये जो इंक्रीज होता है, रेडियस हमारी इंक्रीज हो रही है, और वो किस तरह से हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड. यानी ब्रदर, ये आपका वेव मूव इन द सर्कल, वेव जो मूव है इसमें, सर्कल इस तरह से वेव मूव कर रही है, यानी कि रेडियस इंक्रीज हो रही है. आपको ये गिवन दे रखा है क्या, dr, यानी कि r में चेंज दे रखा है, और किसके साथ दे रखा है, अगर आप इसे देखेंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड है, और ये सेकंड यानी कि आपके पास टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है dr/dt, और कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है. यानी इस तरह से ये बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर एक सेकंड में, अगले सेकंड में 10 हो गया, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है, फिर 15 हो गया 3 सेकंड में टोटल, ये जो इनक्लोज है वो इस तरह से बढ़ जा रहा है. एट द इंस्टेंट, एक ऐसे समय की बात करिए जब रेडियस ऑफ द सर्कल 8 सेंटीमीटर हो, तो हाउ फास्ट इज द एरिया, तो एरिया की बात करेंगे, एंड वी नो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया में किस तरह से चेंज आपने लाना है, dA/dt, टाइम के रेस्पेक्ट में. यानी कि आपको ब्रदर इसको किस तरह से t के तरह समझकर अभी सोल्व करना है, क्योंकि ये t के वेरिएबल में और ये आपका वेरिएबल r है, तो आपके पास ये क्या आ गया, पाई 2r, बट ये था नहीं t, तो आपको चैन रूल एप्लीकेबल करके दोबारा से dt/ क्या लिखना है, dr/dt, तो आपने यहां लिख लिया है dr/dt. बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया 2πr, और dr/dt कितना है, चलिए ऊपर से देख लेते हैं, ये आपको गिवन है 5, तो यहां पर आप 5 और लिख लीजिए, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आपका चेंज आ रहा है, यानी कि 10 πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका चेंज है. बट हमें किस में निकालना है, एट द इंस्टेंट जब आपकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो, तो आपको अपनी रेडियस को 8 सेंटीमीटर में लेके आना है, दैट इज dA/dt, और आपके पास रेडियस इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, मींस 10 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर के प्लेस में 8 रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, दैट इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. आई होप ये जो इजी सा सम था इजीली आपको समझ में आ गया है. अगर ये आसान रहा हो, समझने में आसानी रही हो, तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में रात दिन दहाड़े जब मन करे SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगा. थैंक यू वेरी मच.